नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ जय माता दी। भक्तों जय माता दी। मित्रों मैं बताने जा रही हूँ, कल है गणगौर तीज, इसमें करें आप ये उपाय, आपकी होगी यार इच्छा पूरी। चैत्र मार्च के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती व भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इन्हें केसर गौर भी कहा जाता है, इन्हें ईसर गौर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर गौरी। यह कुमारी और विवाहिता स्त्रियों का त्योहार है। जो कन्याएं हैं वो भी रख सकती हैं, और जो जिनकी शादी हो चुकी है वो महिलाएं भी ये व्रत रख सकती हैं। इस बार यह त्योहार जो है 30 मार्च गुरुवार को है। यह त्योहार 16 दिनों तक मनाया जाता है। गणगौर मुख्य रूप से राजस्थान का लोक पर्व है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी इसे मनाया जाता है। राजस्थान में महिलाओं कन्याओं के लिए विवाह शादी के बाद प्रथम चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का पूजन आवश्यक माना जाता है। वे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन होलिका दहन की भस्म और तालाब की मिट्टी से ईसर गौर शंकर पार्वती की प्रतिमाएं बनाती हैं। 16 दिनों तक माता पार्वती के गीत गाए जाते हैं। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर के लिए तथा विवाहिताएं महिलाएं सौभाग्य की कामना के लिए इनका पूजन करती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को सुबह पूजा के बाद तालाब सरोवर, जहाँ पे तालाब हो, जहाँ पे सरोवर हो, बावड़ी हो या कुएं के पर जाकर मंगल गीत गाते हुए गणगौर ईसर गौर की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणगौर का विसर्जन देखने योग्य होता है। कर सकते हैं ये आप उपाय। गणगौर उत्सव में मुख्य रूप से माता पार्वती व भगवान शिव का आप आराधना करें। शंकर पार्वती को खुश करने के लिए इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं। वे उपाय इस प्रकार हैं। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती का अभिषेक आम अथवा गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे वक्त का घर छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती हैं, और वहां संपत्ति और विद्या का वास रहता है। दूसरा, शिव पुराण के अनुसार लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को घी का भोग लगाएं तथा उसका दान करें, इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा वह निरोगी होता है। चौथा, माता पार्वती को शक्कर का यानी कि चीनी का भोग लगाकर उसका दान करने से भक्त को दीर्घायु प्राप्त होती है, यानी लंबी उम्र होती है उसकी। दूध चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। जो भी आपके पास परेशानियां हैं वो सब दूर होती हैं, अगर आप इस प्रकार से उपाय करते हैं। मित्रों, मालपुआ जो होता है चीनी और आटे का बनाते हैं, उसको मालपुआ कहते हैं। चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार की परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। पांचवा, भगवान शिव को चमेली के फूल चढ़ाने के से वाहन सुख मिलता है, गाड़ी का सुख मिलता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको गाड़ी का सुख मिलेगा। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। भगवान शिव की शमी वृक्षों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। अच्छी जो पत्नी होती है वो मिलती है, सुलक्षणा पंडित पत्नी मिलती है। धतूरे के फूल के पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं। जो आपका कहना मानने वाला बने पुत्र वो प्रदान करते हैं, जो आपकी परेशानियों को समझे, समस्याओं का हल करे, ऐसा भगवान पुत्र देते हैं। जो परिवार का नाम रोशन करता है, जब वो अपनी समस्याएं देखेगा, सारी समस्याएं अपनी भी हल कर दे,
रिश्तेदारों की भी हर कर दे और उनको भी रिश्तेदारों को भी ऊंचा बढ़ाए। वही पुत्र जो होता है वो नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। भगवान देवी भागवत के अनुसार वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरु, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल में माता पार्वती का अभिषेक करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा जो भक्त होते हैं उन्हें थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। भगवान शिव पर एक गन्ना के रस की धारा चढ़ाई जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नवा है, जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। दुर्गा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन प्राप्ति हो सकती है, तेल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। दाख के रस से यदि माता पार्वती का अभिषेक किया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को केले का भोग, आप केला ले आए उसका माता का भोग लगाकर दान करने से परिवार में जो आपके सुख शांति रहती है, प्रसन्नता रहती है। शहद का भोग लगाएं, दान करने से धन की प्राप्ति होती है, दौलत मिलती है। धन जो होता है, धन दिन दूना रात चौगना होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाकर दान करने से जो है गरीबी नहीं आती है, हमेशा खुशहाली रहती है। मित्रों, भगवान शिव को चावल चढ़ाने से दौलत की प्राप्ति होती है। शिवजी जी को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। वह गेहूं चढ़ाने से संतान जो होती है अगर नहीं हो रही है तो वो हो जाती है। अगर आप सच्चे मन से और भक्ति भाव से पूजा करें, भावना से करें, तभी भगवान सुनते हैं। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को नारियल का भोग लगाकर उसका दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता को, देवी को विभिन्न प्रकार के अनाजों का जैसे दाल, चावल, गेहूं, दाल कोई भी हो सकती है आपकी, जो भी आप चढ़ाना चाहें, तो उनका भोग लगाकर गरीबों को दान करने से लोक परलोक में आनंद व वैभव मिलता है। माता पार्वती का अभिषेक दूध से किया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का मालिक बनता है। उसे हर प्रकार की सुख मिलेंगे, हर प्रकार के समृद्धि मिलेंगे। घर में जो कमी है वो सारी भगवान पूरी करते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें।